नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर मुझे टॉप 5 कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, जनरल हूँ, बीसी हूँ, मुझे कितना रैंक के अंदर में अगर मेरा रहेगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा आपका डाउट को क्लियर कर देगा टॉप 5 कॉलेज के बारे में। देखो बाबू, अगर पटना 13 में आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल, तो आपका यूआर रैंक, जनरल अगर आप बच्चे हो तो आपका यूआर रैंक 375 के आसपास होना चाहिए। अगर 375 से कम है तो श्योर मानो कि आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा पटना 13 का, क्योंकि पिछले साल मिला है 375 रैंक तक वाले बच्चे को, तो इस साल भी संभावना है। यदि आपको पटना 7 में चाहिए तो 600 यूआर रैंक के अंदर में आपको आना होगा, 600 के अंदर में। अगर आपका यूआर रैंक 400 है, 500 है, 600 के अंदर में है तो लगभग चांस है कि पटना 7 का इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर में यदि इलेक्ट्रिकल चाहिए तो 1500 के आसपास आना होगा, मतलब 1500 से कम है यूआर रैंक, 1000, 1200, 1300, 1400 भी है तो मुजफ्फरपुर का इलेक्ट्रिकल मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि पिछले साल मिला था। भागलपुर का बात करें तो भागलपुर का में जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, और इसमें एक बहुत अच्छा नामी ब्रांच है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर से यदि आप करना चाहते हो तो 10,000 रैंक तक पिछले साल मिला है। अब इस साल जो है एग्रीकल्चर का थोड़ा सा नाम ज़्यादा फैल गया है, तो शायद 10,000 तक ना मिले, लेकिन पिछले साल भागलपुर में एग्रीकल्चर ब्रांच 10,000 यूआर रैंक तक के बच्चे को मिला है। क्लियर। अगर गया में इलेक्ट्रिकल चाहिए, देखो सारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्कस किए, बस भागलपुर में हम लोग एग्रीकल्चर को डिस्कस कर लिए हैं। गया में अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल तो यूआर रैंक आपको 1200 के अंदर में आना होगा, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो। आप बोलोगे सर मैं ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हूँ, मेरा ईडब्ल्यूएस रैंक है, तो आप यूआर रैंक को भूल जाओ, अब अपना ईडब्ल्यूएस वाला रैंक देखो। अगर आपका ईडब्ल्यूएस का रैंक 60 के अंदर में है तो पटना 13 में आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस रैंक 60 के आसपास में, ठीक है। अगर आपका 90 के आसपास में ईडब्ल्यूएस रैंक है तो पटना 7 में आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, 90 आपका ईडब्ल्यूएस रैंक। यूआर रैंक भले 2000 हो जाए उससे मतलब नहीं है, ईडब्ल्यूएस रैंक 90 है तो आपको पटना 7 का इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, पिछले साल मिला था। अगर आपको मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल चाहिए तो ईडब्ल्यूएस रैंक अगर आपका 175 के आसपास भी है तो भी मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस रैंक 175। क्लियर। ये जानबूझ के हम लोग कैटेगरी वाइज बना दिए बाबू, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, आप जिस कैटेगरी के हो उसमें आप देख लो। अगर आपका मान लो ईडब्ल्यूएस रैंक 170 है तो आपको पूरा चांस है कि मुजफ्फरपुर का इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, पटना का नहीं मिलेगा, दोनों में पटना में नहीं मिलेगा, लेकिन 170 अगर ईडब्ल्यूएस रैंक है मतलब मुजफ्फरपुर आपको मिल जाएगा। अगर आपको भागलपुर में एग्रीकल्चर चाहिए तो ईडब्ल्यूएस रैंक 1200 तक को पिछले बार मिला है। यूआर रैंक का बात करोगे ना तो लगभग 26K यानी 26,000, 1200 ईडब्ल्यूएस रैंक है, यूआर रैंक 26,000 है। आ रहा बात समझ में? तो आप यूआर रैंक के फेर में नहीं रहो, मैं समझाने के लिए यूआर रैंक लिख दिया हूं बाबू। 1200 अगर आपका ईडब्ल्यूएस रैंक है मतलब आपको भागलपुर में एग्रीकल्चर मिल जाएगा, पिछले साल मिला था। इस साल हो सके तो 1200 तक वाले को ना मिले, 1000 वाले को मिले, लेकिन 1200 के आसपास वाला रेस में है। गया में अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आपको ईडब्ल्यूएस का रैंक 200 के अंदर में होना होगा, ईडब्ल्यूएस रैंक 200। भले आपका यूआर रैंक 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है ईडब्ल्यूएस रैंक 200 के अंदर में होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? आप यदि बीसी कैटेगरी के हो, बीसी कैटेगरी के, तो अगर आपका 225 बीसी कैटेगरी रैंक 225 से कम है तो आपको पटना 13 में मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल। 230 के आसपास है, मतलब ये दोनों में लगभग
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 200-250 के बीच में है, 200-250 के अंदर में है, 100 रैंक है, 150 है, 200 है, तो आपको ये दोनों कॉलेज में इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। अगर मुजफ्फरपुर में चाहिए तो 800 बीसी रैंक में भी आपका मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। भागलपुर में चाहिए तो बीसी रैंक 4000 तक वाले बच्चे को पिछले साल भागलपुर में एग्रीकल्चर मिला था। अगर आपको गया में चाहिए तो बीसी रैंक 750 के अंदर में होना होगा। युवा रैंक भले 2000 हो जाए उससे मतलब नहीं है, बीसी रैंक 750 से कम होना चाहिए। अगर आप ईबीसी के स्टूडेंट हो तो ईबीसी रैंक अगर आपका 175 से कम है तो पटना 13 में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, 250 से कम है पटना 7 मिल जाएगा, 650 से कम है मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, 3500 3500 के आसपास यदि आपका ईबीसी रैंक है तो भागलपुर में आपको एग्रीकल्चर मिल सकता है बाबू, पिछले साल मिला था। अगर गया में इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आपको 400 ईबीसी रैंक होना होगा। क्लियर? देखो बाबू, चारों कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं, सिर्फ भागलपुर में हम लोग एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि भागलपुर में इलेक्ट्रिकल है नहीं और एग्रीकल्चर भी अभी के डेट में अच्छा डिमांड है। बात करते हैं एससी का। अगर आपका एसी कोटा में रैंक 200 है तो आपको पटना 13 का इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, पिछले साल मिला था। 250 तक में पटना 7 का इलेक्ट्रिकल मिला था। एसी कोटा में 200-250 रैंक यदि है तो पटना 13 या पटना 7 का इलेक्ट्रिकल मिलने का संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है, क्योंकि पिछले साल मिला था। अगर आपका एसी कोटा में रैंक 500 है तो आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा। मतलब इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा, सपोज करो एसी कोटा में आपका 400 रैंक है तो आपको माइंड में आ जाएगा कि नहीं, मुझे पटना का दोनों कॉलेज में चांस थोड़ा सा कम है, मुजफ्फरपुर में चांस ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि च्वाइस फिलिंग में आप पटना 13 मत डालना, पटना 13 पहला पोजिशन में डालना, दूसरा च्वाइस में पटना 7 डालना, लेकिन मुजफ्फरपुर भी जरूर डालना, क्योंकि अगर यही दो कॉलेज खाली डालोगे तो पता चला कि मिलेगा ही नहीं। इसीलिए सारे बच्चे से मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालिए, और इससे टॉप 5 कॉलेज से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना रैंक तक में आपको ये 5ों में कौन मिल सकता है। अगर आपको एसी रैंक 500 तक है तो मुजफ्फरपुर आपको मिल जाएगा। एसी रैंक अगर आपका 2700 है, युवा रैंक में देख लो 26000 पहुंच गया, युवा रैंक 26000 पहुंच गया, लेकिन कैटेगरी रैंक एसी में मात्र 2700 है, तो जिसका एसी रैंक 2700 तक है उसको एग्रीकल्चर पिछले साल मिला था, इस साल भी उम्मीद है कि 2000-2500 एसी रैंक तक को मिल जाएगा। बात करते हैं गया में इलेक्ट्रिकल, एसी रैंक 300 के आसपास है तो गया का इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अब देखो कैसे एनालिसिस करोगे, जो बच्चा टारगेट कर लिया है कि मुझे ये चार कॉलेज, भागलपुर में तो एग्रीकल्चर है नहीं तो इसको हटा दो, चार कॉलेज में अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए, आप एसी में हो और एसी में आपको रैंक सपोज करो है 280, एसी कोटा में आपका रैंक सपोज करो है 280, तो आप पहला च्वाइस पटना 13 भरो, लेकिन आपको पता है पटना 13 में 200 एसी रैंक तक को मिलता है या मिला था, और मेरा तो 280 है, यानी पटना 13 नो डाउट भरो, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा में पटना 7 भी भर दो, लेकिन पटना 7 में भी 250 के अंदर फुल हो जाता है, आपका तो 280 है, तो आप क्या करो गया वाला भी डाल देना, और गया में देखो 300 रैंक तक मिल जाता है एसी में, 300 रैंक, अब आपका 280 है, मतलब लगभग कंफर्म है कि गया आपको मिल जाएगा। गया के बाद मुजफ्फरपुर पहले डालना, तो पहले डाल दो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में तो कंफर्म है कि आपको मिलेगा, क्योंकि एसी में 500 रैंक तक को पिछले साल मिला था। बात समझ में आ रहा है? बात करते हैं एसटी कोटा का। तो एसटी कोटा के लिए देखो बाबू, टॉप 5 जो रैंक था एसटी में वो पटना 13 को चूज किया था तो उसी को मिल गया, क्योंकि एसटी में ज़्यादा सीट तो है नहीं,
लगभग कॉलेज में कुछ कुछ ब्रांच में एक का गो सीट है। अब मान लो टॉप वन बच्चा जिसमें अप्लाई कर दिया उसी को मिल गया, फिर तो टॉप टू को भी नहीं मिलेगा। तो टॉप जो पांच रैंक था बाबू, वो पटना 13 में ले लिया था, तो पांच रैंक तक क्यों मिलेगा? 20 रैंक तक हो तो पटना 7 आपको मिल सकता है। मुजफ्फरपुर में आपके लिए कोई अलग से सीट नहीं है, आपको यही वाला सीट लेना होगा, जनरल वाला। मतलब जनरल में 1500 से अंदर हो तो आपको भाई मुजफ्फरपुर में मिलेगा। क्लियर? एसटी में देख लो एग्रीकल्चर 350 रैंक तक को मिला है बाबू, मतलब युवा रैंक उसका भाग जाएगा 30,000। अगर मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आपको 1500 के आसपास आना होगा, क्योंकि आपके लिए अलग से सीट है नहीं। लेकिन अगर भागलपुर में एग्रीकल्चर चाहिए तो आपके लिए एक सीट है, तो आपको 350 तक भी एसटी रैंक है तो मिल जाएगा। मतलब युवा रैंक 30,000 भी है तो भी आपको मिल जाएगा, इसका मतलब। गया में भी आपके लिए अलग से सीट नहीं है, मतलब आपको एसटी होते हुए भी आपको युवा रैंक 1200 के अंदर में आना होगा। क्लियर? बात करते हैं डिसेबल कोटा विकलांग लोग के लिए। तो देखो बाबू, डिसेबल कोटा में अगर आपका पूरा ओवरऑल में देख लूँ तो 200 रैंक डिसेबल कोटा में 200 रैंक के अंदर में हो तो ही ये पांच कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर भी मिल सकता है। 100 डिसेबल कोटा मतलब 200 रैंक के अंदर में होना होगा ओवरऑल डिसेबल कोटा में। ठीक है, युवा रैंक 50,000 चला जाए उससे मतलब नहीं, डिसेबल कोटा में आपका रैंक 200 के अंदर में होना चाहिए। सर्विसमैन कोटा बाबू, तो सर्विसमैन कोटा के लिए भी बहुत ज़्यादा सीट होता नहीं है, डिफेंस में जिसके माता पिता कोई भी होते उनके लिए है। तो डिसेबल सर्विसमैन कोटा में देखो बाबू, टॉप 10 रैंक के अंदर में हो आप सर्विसमैन कोटा में तो ही ये तीन कॉलेज मिल सकता है, पटना 13, पटना 7, मुजफ्फरपुर। टॉप 10 में आपको आना होगा सर्विसमैन कोटा वाला रैंक तो ही तीन कॉलेज मिलेगा। भागलपुर में एग्रीकल्चर चाहिए तो सर्विसमैन कोटा का रैंक आपको 40 रहेगा तो भी हो जाएगा। अब देखो 40 में 15,000 युवा रैंक भाग गया। आप लोग बोलोगे सर जनरल वाले को 10,000 में मिल रहा है और सर्विसमैन कोटा को 40। बाबू 40 जो है सर्विसमैन कोटा रैंक है, युवा रैंक देखोगे तब तो 15,000 भाग गया। क्लियर? ये जितना मैं रैंक लिखा हूं सारा मैं कैटेगरी रैंक लिखा हूं बाबू, युवा रैंक तो बहुत ज्यादा भाग जाएगा। क्लियर? जैसे देखो एससी में 2700 और जनरल में 10,000, तो बोलोगे सर ये तो 2700 यही कम है, मतलब जनरले वाला ज्यादा रैंक वाले को मिल रहा? नहीं, अरे युवा रैंक देखोगे तो 26,000 हो जा रहा। तो यहाँ 26,000 जो लिखेंगे उससे अच्छा कैटेगरी रैंक लिख दिए 2700, ताकि एससी वाला बच्चा अपना देख ले कि मेरा युवा रैंक कितना है, मतलब नहीं एससी रैंक मेरा 2700 से कम है कि नहीं। क्लियर? तो ये सारा कैटेगरी रैंक से आप पता कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालो, लेकिन ये भाई टॉप पाँच कॉलेज है। इसके में हम लोग इससे पहले सिविल का वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल का बनाएं, एक वीडियो हम लोग बनाएंगे मैकेनिकल का, उसके बाद एक वीडियो आपको देंगे। ये तो टॉप पाँच का बात हुआ, बाकी जितना भी कॉलेज है टॉप 10 लगभग छोड़ के जितना भी कॉलेज है उसमें आपको कितना रैंक लाने पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, वो वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जिसको टॉप पाँच कॉलेज चाहिए, वो वीडियो सारे बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।